से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अंतरा, अगर वो कोई अपना होता, हमदर्द होता, तो वो तस्वीरें यहाँ नहीं भेजता, बल्कि खुद सामने आता। तो मुझे तो शक है कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं बिछाया जा रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि शंकर कानून के सिकंजे से तभी आजाद होगा जब उसके दिल में सुजाता के लिए नफरत बैठ चुकी हो। मुझे तो बहुत डर लगता है ये सोच के कि जब जीजू को पता चलेगा कि आपने उनके पिताजी को तड़पा तड़पा के मारा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी? कहाँ गए थे आप? वकील से मिलने गया था, कल शंकर की पेशी है ना, हो सकता है उसे जमानत मिल जाए, इसलिए गया था। आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग हमें ही फंसाने की चाल चल रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं तो पिस कर रह गई हूँ आप लोगों के रिश्ते के बीच में। आप लोगों के बीच तो खून का रिश्ता है, एक मैं ही हूँ जो बाहर से आई हूँ, शायद इसीलिए मैं ही सबकी दुश्मन बनकर रह गई हूँ, इसीलिए मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। अंतरा, तुम्हें इस घर से कौन हटा सकता है? अब तक उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था मुझे बाहर निकालने का, इसीलिए अभी वो लोग कानून का रास्ता ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी आप उन लोगों को इस घर में ले आएंगे और फिर वो सुजाता इस घर की मालकिन बन के रहेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच्चाई कह रही हूँ मैं। पहले तो उन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरने चाहिए, जब आपने नहीं सुना तो उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी। क्या, पुलिस में कंप्लेन? किस बात की कंप्लेन? कि सलमा को पागल मैंने बनाया है। बस मुंह खोलने की देर थी, जो मन में आया बोल दिया, मगर इससे ज्यादा किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, किस लिए करूंगी। पता नहीं उन लोगों को तुम पर शक क्यों, जबकि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर करप्ट है और सलमा की हालत को देखकर भी लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उससे मेरा क्या संबंध, इल्जाम तो मुझ पर लग रहा है ना। पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई थी और वो इंस्पेक्टर मुझे धमकी देकर गया है कि वो उस डॉक्टर को गिरफ्तार करेगा। तो इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत? अगर उस डॉक्टर ने कुछ गलत किया है तो मैं भी चाहता हूँ कि वो जरूर अरेस्ट होना चाहिए। पुलिस उस पर सख्ती करेगी तो वो खुद ब खुद सारी सच्चाई बता देगी। जब सारा मामला साफ हो जाएगा तो फिर तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। पुलिस को अपनी छानबीन करनी ही चाहिए, वो डॉक्टर अरेस्ट होना ही चाहिए। मैं कल भी हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। अच्छा, वो इंस्पेक्टर फिर से आए तो कहना कि साहब शहर से बाहर गए। सलमा की हालत इतनी खराब करके न सिर्फ आपने अपने पेशे को बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। मैं जानता था तुम्हारी ये बेईमान जबान सच्चाई नहीं उगलेगी, लेकिन इस बात का ख्याल रहे डॉक्टर कि अगर सलमा की हालत इससे ज्यादा खराब हुई ना तो कसम खुदा की मैं तुम्हारी हालत इससे ज्यादा खराब कर दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे इस अस्पताल को निस्तो नाबूद कर दूंगा, तबाह और बर्बाद कर दूंगा मैं। देखिए मिस्टर, हम यहां मरीजों का इलाज करते हैं और जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाला करता है। ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब कि फैसला ऊपर वाला करता है, काश ये बात आप ही समझ। दुनिया की अदालत और कानून से तो आप बच सकते हैं, ऊपर वाले की अदालत से नहीं बच पाएंगे।
हाथ जोड़े आपसे रहम की भीख मांगने आया हूं डॉक्टर साहब। आपकी जुबान जो सच्चाई उगलेगी, हो सकता है उसकी बिना पर शंकर भाई को रिहाई मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा उससे क्या लेना? कोई लेना देना नहीं है। माना कि आपको शंकर भाई से कोई लेना देना नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपको इस बात का तो इल्म है ना कि सलमा बाजी को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही बयान आप पुलिस के सामने दे दें तो हो सकता है इनायत चाचा के कत्ल का राज भी खुल जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो आप, चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर प्लीज, देखिए आप जो कुछ भी जानते हैं बता दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हारे सामने बोलकर मैं अपना कैरियर खराब कर दूं? तुम मुझे फंसाने आए हो। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। आप जा सकते हैं। Get off from here! ए डॉक्टर, शराफत की जुबान तेरी समझ में नहीं आती। उस दिन तो हॉस्पिटल में मैंने तेरी जान बख्श दी थी, लेकिन गलत किया। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, कुछ जानने के लिए आया हूं। सुन, तेरी जुबान सच्चाई उगलेगी। बोल सच क्या है, सच बोल वरना हलक से तेरी जुबान निकलवा कर उगलवा लूंगा। बता बोल सच क्या है, सच बोल। डॉक्टर क्या हो? डॉक्टर अब तो बता दो डॉक्टर कौन था। डॉक्टर बताओ ना डॉक्टर कौन था। मुझे पैसे दिए थे। क्यों, किसने? बोलो डॉक्टर बोलो। सलमा को। डॉक्टर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर अफसोस है मुझे, तुम्हारी मौत नहीं चाहता था मैं। आसमा जी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो डॉक्टर नहीं जिसका जिक्र किया था मैंने आपसे, डॉक्टर शर्मा। हाँ बोलिए क्या हुआ। उनका कत्ल हो गया। क्या? हाँ, मैं उससे सच्चाई उगलवाने आया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, अचानक उन पर गोली चली और वो खत्म हो गए। ये नहीं होना चाहिए सिकंदर भाई। उस डॉक्टर ने आपको कुछ बताया? कहाँ, इससे पहले कि वो कुछ कह पाते उनकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। एक वही था जो हमें सच्चाई बता सकता था। बस इतना बताइए कि इन हालात में मैं क्या करूँ। देखिए कल सुबह शंकर भाई की पेशी है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से उन्हें जमानत मिल जाए। देखिए आपके और हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। कल क्या होगा कल देखेंगे। आप ये बताइए आपने पुलिस को फोन किया कि नहीं? नहीं, सबसे पहले आपको फोन पर इतला दी है। तुरंत पुलिस को फोन कीजिए और हादसे की जानकारी दीजिए। और हाँ, पुलिस को सारी बातें साफ साफ बताइएगा, वो भी सच। बेहतर। जीजू, घर में इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। ये बात तुम अपनी दीदी को क्यों नहीं समझाती?
किसी की बुराई करना भी बुराई को बढ़ावा देना ही होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। शंकर और सुजाता इस पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये उन दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं। जीजू, मैं तो कहती हूँ कि आप किसी की बात सुनते ही क्यों हो? मैं तो कहती हूँ कि आप ये सबसे अपने आप को दूर ही रखो। मैंने तो अपने आप को इस सबसे अभी तक दूर ही रखा हुआ है। मैं तब तक किसी के इल्जाम को नहीं मानूंगा जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, और मेरे लिए तसल्ली की